हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू गेट एकेडमी और आपका स्वागत है मोटी स्टोरीज पे. ओके, और छोटी मोटी मीन्स छोटी मोटिवेशनल स्टोरीज. ओके, और आज हम देखने वाले हैं स्टोरी कुछ इस पर, है ना. सो क्या होता है, एक बूढ़ा राहगीर रहता है, ठीक है. एक बूढ़ा राहगीर होता है. राहगीर मतलब जो ऐसे चलते फिरते रहते हैं, अपनी जिंदगी ऐसे चलते फिरते व्यतीत करते हैं. जो ऐसे भीख मांगी, जो मिल गया दाल चावल उसी का खिचड़ी बनाए खा लिए और अपना फिर आगे बढ़े, है ना. जिनकी कुछ ऐसा कुछ ऐसी ख्वाहिशें नहीं होती हैं, ठीक है. कुछ ऐसा परिवार नहीं होता, ख्वाहिशें नहीं होती हैं, अपना चिल जिंदगी जीते हैं, ठीक है. तो अब क्या हुआ, अब रात हो गई थी वो बूढ़े राहगीर को. तो वो एक जगह ऐसे दरवाजा खटखटाया, तो एक घर था, तो घर के मालिक थे और एक मालकिन थी, वो बेटा था उनका. तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप हमारे वरांडा, मतलब उनका ऐसे था बाड़ा था, बाड़ा तो वही वरांडा था, मतलब बोले यहीं पे आप अपना बिछा के जो रखे हो सो जाओ, सुबह उठ के चले जाना, आराम कर लो आप यहाँ. पानी वानी दे दिया उनको, ठीक है. ऐसे हेल्पिंग नेचर के थे लोग पहले, क्योंकि पहले कोई ऐसा छल कपट नहीं करता था ना, ठीक है. सो ठीक है, उन्होंने दे दी जगह, वो अपना सो लिए. सुबह उठे, नहाए वहाए, ऐसे नहा लिए. फिर उसके बाद बोले अब नाश्ता यहीं बना लेता हूँ. पूछ लिया उनसे कि आप क्या, मैं आप बना लूँ नाश्ता, मतलब अपना खिचड़ी बना लूं. तो बोले ठीक है बना लो आप खिचड़ी. तो अपना चूल्हा वूल्हा जुगाड़े, लकड़ी वकड़ी जुगाड़े और अपना बनाने लगे, है ना. बर्तन भी नहीं था तो बर्तन मांगे, तो बर्तन भी दे दिए कि हाँ बर्तन, ठीक है. एक ठो ऐसे गंजी दे दी उनको, कढ़ाई सी दे दी कि जिसमें वो खिचड़ी बन जान बना ले, ठीक है. फिर उसके बाद वो ऐसी खिचड़ी अब चढ़ा दी. अब टाइम लगता है पकने में, है ना. सब जुगाड़ करके आग वाग जला दी, अपना पकने में टाइम. तभी वहां की जो उनकी जो घर की महिला थी, वो भी अपना ऐसे कुछ काम कर रही थी बाड़े पे, है ना. वैसे कुछ चावल आवल बीन रही थी. तो ऐसी बातचीत चालू हुई. तो उनके यहाँ एक भैंस भी थी, मोटी सी भैंस थी. और उनका जो गेट था वो छोटा था, घुसने का जो दरवाजा था वो छोटा था, ठीक. तो उन्होंने बोला, बूढ़े के दिमाग में ऐसी कुछ आया, तो बोले अगर किसी दिन आपकी ये भैंस मर गई, ठीक है, ऐसी बोला उन्होंने कि किसी दिन आपकी ये भैंस मर गई तो ये दरवाजे से तो नहीं निकल पाएगी, तो आप कैसे निकालोगे. अब वो औरत का तो दिमाग खराब हो गया, है ना. अब किसी का भी हो जाएगा, अगर आपके यहाँ कोई गाय है, भैंस है या कोई भी आपका पेट है, उसके बारे में कोई कुछ बोलेगा, ऐसे मरने की बात करेगा, तो आपका दिमाग तो खराब होगा ही ना, ऑब्वियसली. तब भी उन्होंने चलो ठीक है, एक कड़वा घूंट समझ के पी लिया कि चलो ठीक है, बुजुर्ग है, बोल दिया, चलो ठीक है, माफ किया, ठीक है. तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं दिया उन्होंने, ठीक. फिर उसके बाद ऐसे बूढ़ा बैठा हुआ था, तो उन्होंने उसकी वो देखी, हाथ देखे, हाथ. तो हाथ में बहुत अच्छी चूड़ियां थी, ठीक है. हाथ में बहुत अच्छी सुंदर और कीमती चूड़ियां थी, ठीक है. सो उन्होंने बोला कि आप अगर कभी विधवा हो, आपकी चूड़ियां तो बहुत अच्छी है, बोले, है ना. तो वो खुश हुई, चलो ठीक है, कुछ तो तारीफ किया, मतलब कुछ तो पॉजिटिविटी आई. फिर बोले अगर आप कभी विधवा हो गई, ठीक है, कभी विधवा हो गई तो आपको तो ये चूड़ियां तोड़ने पड़ जाएंगी, है ना, ये चूड़ियां तोड़नी पड़ जाएगी. तब उनका गुस्सा एकदम सातवें आसमान में हो गया. उन्होंने उनका वो जो बर्तन चढ़ा था, अभी खिचड़ी पकी नहीं थी, तो ऐसी अधपकी खिचड़ी क्या की उनके गमछे में डाली बुढ़े के, कि तुम अब भग जाओ मेरे घर से, अब दिखना मत, ठीक है, क्योंकि आप बहुत बुरी बातें बोल रहे हो, बहुत खराब बोल रहे हो, तो अब मुझे दिखना नहीं. तो उन्होंने वही खिचड़ी ली, उनके गमछे में डाली और अपना बर्तन ले लिया और चूल्हे में भी पानी डाल दिया, ठीक है, और भगा दिया. तो उनकी हालत काफी खराब, और गमछे से वो खिचड़ी टपक रही है पूरे कपड़े में, लग गई उसके बुढ़े के, है ना. तब वो बाहर गए, वो बूढ़े आदमी बाहर गए, है ना. बाहर गए तो लोगों ने देखा, लोग हंसे कि ये क्या किया आपने, मतलब, है ना, पूरा पीला पीला ऐसा आपका कपड़े हो गया, गमछा भी ऐसा हो गया, है ना. तो कुछ लोगों ने पूछा कि ऐसा हाल कैसे भाई. तो उन्होंने बोला ये मेरी जीभ के कारण हुआ, ये मेरी जुबान के कारण हुआ है, क्योंकि इसने पहले मेरी इतनी बेइज्जती करवाई, है ना, पहले इतनी बेइज्जती कराई और अब ये जग हंसाई करवा रही है, लोग हंस रहे हैं मेरे ऊपर. तो ये सब मेरे जीभ के कारण हुआ है, ये सब मेरी वाणी के कारण हुआ है, ठीक है. तो कभी भी आप कुछ बोलना चाहते हो, है ना, कभी भी अपन कुछ बोलना चाहते हैं, तो कुछ लोग एकदम पागल होते हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है, किसी के सामने कुछ भी बोल देते हैं. ये नहीं सोचते हैं कि सामने वाले की बेइज्जती हो रही है या सामने वाले को कितना हर्ट कर रहा हूं मैं अपने वर्ड्स से, ठीक है. वो ये नहीं समझते, क्योंकि उनको उनकी कोई फीलिंग नहीं होती है, ठीक है,
लेकिन जिनकी फीलिंग होती है वो हमेशा सोचते हैं कि मैं क्या बोलने वाला हूं और उसके बाद बोलते हैं। इसीलिए क्या लिखा है, बी श्योर टू टेस्ट योर वर्ड्स बिफोर यू स्पिट आउट देम, ओके देम आउट। ठीक है, जब भी आप बाहर अपने वर्ड्स फेंकने वाले हो तो उसके पहले वो खुद चख लो। ठीक है, जैसे हम किसी को खाना खिलाते हैं तो हम खुद चखते हैं ना कि खाना अच्छा बना है कि नहीं, नमक कैसा है ना। आपकी मम्मी जब आपको खाना खिलाने वाली होगी तो उसके पहले जब खाना बनाती हैं तब वो खुद एक बार टेस्ट करके देखती होंगी कि खाना कैसा बना है। ठीक है, वैसे ही जो आप शब्द बोलना चाह रहे हो, है ना, जो बोलने वाले हो जो शब्द, उसको पहले से आप देख लो कि भाई ये शब्द अगर मैं किसी और को बोलूंगा या मुझे कोई बोलेगा, अगर ऐसे शब्द मुझे कोई बोलेगा तो मुझे कितना हर्ट होगा, तो मैं अगर किसी सामने वाले को ऐसे शब्द बोलूंगा तो उसको कितना हर्ट होगा। ठीक है, तो ये आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। और ये जनरली जो बातूनी लोग होते हैं, जो बहुत बोलते हैं, वो बिना सोचे समझे बोलते हैं। जो आदमी कम बोलता है उसके वर्ड्स हमेशा देखना आप, उसके लोग सुनना चाहते हैं, है ना, क्योंकि वो सोच समझ के अच्छी बातें बोलता है। और अच्छी बातें अगर आप बोलोगे तो लोग आपसे बात करना चाहेंगे, लोग आपकी बात सुनना चाहेंगे। ठीक है, खराब बात करोगे तो आपसे कोई बात नहीं करेगा और ना ही लोग आपको सुनेंगे। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगली नेक्स्ट स्टोरी के साथ।